चलो जी ठीक है, प्रोप्लास्टिस को डिस्कस करते हैं कि प्रोप्लास्टिस बेसिकली क्या है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोप्लास्टिस के बारे में, आप देखिएगा। वैसे सब आ गए स्टूडेंट्स, कोई और आएगा तो नहीं? अभी चैट यूज करें, चैट बॉक्स यूज करें, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आंसर। ओके देखें, प्रोप्लास्टिस के ऊपर बात करते हैं कि प्रोप्लास्टिस क्या, इमैच्योर प्लास्टिस के लिए वर्ड यूज किया जाता है, किसका? प्रोप्लास्टिस का। देखें, दीज आर कलरलेस इमैच्योर यानी कि दीज आर कलरलेस इमैच्योर क्या है, प्लास्टिस हैं ये आपके पास। कहाँ पाए जाएंगे? फाउंड इन मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। देखें, दीज आर कलरलेस इमैच्योर प्लास्टिस। ये क्या है? बेसिकली कलरलेस इमैच्योर प्लास्टिस हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, के मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के अंदर होंगे। और मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में आप जानते हैं कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में, अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? यस, ठीक है। अच्छा, फाउंड इन मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, देखिए बताता हूँ मैं आपको मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या हैं और कहाँ पर होते हैं। और अच्छा, वे डिवीजन ऑफ सेल टेक प्लेस, के मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में क्या होती है? डिवीजन होती है। इन दीज प्लास्टिस, इन प्लास्टिस के अंदर ग्रैन्यूलर टाइप का, ग्रैन्यूलर किसको कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ग्रैन्यूलर टाइप का स्टोमा प्रेजेंट होगा एंड ऑन द आउटर साइड डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट। मैं इसको रिमूव करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, देखिएगा कि कैसे। पहले तो देखिए ये इस तरीके से ना, ये का एक मेम्ब्रेन है, ये इसके अराउंड सेकंड मेम्ब्रेन होगी। देखिए ये डबल इसके पास मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, डबल। ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इसका क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। और ग्रेन्यूलर, ग्रेन्यूल्स देखें, ग्रेन्यूल्स इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका क्या होगा? ये ग्रेन्यूलर स्टोमा, इसका क्या है? ग्रेन्यूलर स्टोमा है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ग्रेन्यूलर स्टोमा के बाद
ठीक है। अच्छा ये तो है आपके पास प्रोप्लास्टिस। अच्छा होता क्या है बेसिकली तौर के ऊपर कि जब इमैच्योर यानी कि जब ये मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद ये सेल जो है प्रोप्लास्टिस ये चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट। चले मैं लिखता हूं यहाँ पे कि व्हेन दीस प्रोप्लास्टिस प्रोमीन्स फर्स्ट यानी कि क्लोरोप्लास्ट से पहले वाली फॉर्म, लीकोप्लास्ट से पहले वाली फॉर्म या फिर क्रोमोप्लास्ट से पहले वाली फॉर्म, ठीक है। प्रोप्लास्टिस आर मैच्योर देन दे चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। के होगा क्या कि व्हेन दीज आपके पास, जब ये आपके पास प्रोप्लास्टिस मैच्योर होंगे तो मैच्योर होने का चेंज इनटू आइदर, अब आइदर किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट में भी हो सकते हैं और लीकोप्लास्ट के अंदर भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक। अच्छा ये तो ग्रेन्यूलर टाइप का मैंने आपको स्ट्रोमा बताया, आउटर इनर मेम्ब्रेन बताया। अब मेरिस्टम के ऊपर बात करते हैं कि मेरिस्टम क्या है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखें प्लांट में तीन किस्म के मेरिस्टम होते हैं, पहला मेरिस्टम उसको नाम देंगे किसका, एपिकल मेरिस्टम का, ठीक है जी। सेकंड फिफ्थ चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे इंटर में, इंटरकैलरी मेरिस्टम, और थर्ड मेरिस्टम कौन सा है, लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम कहते हैं या फिर आप इसको नाम दे दें किसका, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज का नाम दे दें या सेल का नाम दे दें। देखें प्लास्टिस के अंदर तीन चीजें आती हैं आयशा, प्लास्टिस में बेटा तीन चीजें आती हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको प्लास्टिस पढ़ाया था, मैंने कहा था प्लास्टिस आर ऑफ थ्री टाइप, इनमें क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन पार्ट्स में होगा, क्लोरोफिल कंटेन करेगा, क्रोमोप्लास्ट किस में होगा, कलर पार्ट्स में होगा, पेटल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, और लीकोप्लास्ट कलरलेस पार्ट में, कलरलेस पार्ट जैसे मैंने राइजोम बताया था आपको कि अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट्स हैं, यहाँ पर मैच्योर होगा। तो ये तीनों किसके अंदर आते हैं, प्लास्टिस के अंदर आते हैं, और प्लास्टिस जो है वो प्लांट के तीनों पार्ट्स में होगा, तीनों पार्ट्स से मुराद ये है यानी कि पेटल्स में भी होगा, फ्रूट्स में भी होगा, लीव्स में भी होगा, ग्रीन हर्बिशियस पार्ट्स में होगा, और कलरलेस पार्ट यानी कि आपके पास जो रूट्स या स्टेम्स वगैरह होंगी। तो प्लास्टिस की तीन टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा प्लास्टिस के बाद मैंने कहा कि मेरिस्टम के ऊपर प्रोप्लास्टिस प्लास्टिस में चेंज हो जाते हैं जी, जब यंग प्लांट होता है, यंग प्लांट तो उस दौरान क्या होता है, बिल्कुल इमैच्योर, इमैच्योर यंग सेल आता है, बिल्कुल नया सेल। चले मैं बताता हूँ, देखें जो न्यू सेल आएगा ना, न्यू सेल या फिर यंग सेल होगा, तो आप जानते हैं, देखें यंग सेल में प्राइमरी सेल वॉल होती है, यंग सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। सपोज करें कि ये एक यंग सेल है, ठीक है, और इसके बिल्कुल सेंटर में ये क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। अच्छा देखें इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनका साइज भी स्मॉल होता है, ये सेल भी क्या है, स्मॉल है, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये सेल अपना साइज बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा तो इसकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और इस वक्त इस सेल में प्लास्टिस नहीं है बल्कि क्या है, प्रो प्लास्टिस है, ठीक है, प्रोप्लास्टिस है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये सेल क्या हो गया, मैच्योर हो गया, जब मैच्योर हो गया तो न्यूक्लियस कहाँ है, साइट पे चला गया, और ऑर्गेनल्स का साइज भी बढ़ गया, और प्रोप्लास्टिस जा करके चेंज हो गया किसके अंदर, प्लास्टिस के अंदर चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, प्लास्टिस के अंदर चेंज हो गया। और प्लास्टिस में मैंने तीन टाइप्स आपको बताई थी, प्लास्टिस में तीन टाइप कौन कौन सी थी,
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। तो याद रखिएगा कि जो यंग सेल होता है, इमैच्योर सेल होता है, जो डेवलप होता है, ठीक है, उस दौरान उसमें प्लास्टिस नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, प्रोटोप्लास्टिस होते हैं या प्रोप्लास्टिस होते हैं। फिर जब वो सेल मैच्योर होता है, अपने साइज को बढ़ाता है, फिर उसमें सेकेंडरी वॉल आती है, उसका साइज इंक्रीज होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ऑर्गेनल्स का साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो प्रोप्लास्टिस या प्रोटोप्लास्टिस भी कहा जाता है इसको, वो जाकर के चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, प्लास्टिस के अंदर। फिर प्लास्टिस जाकर के अपने फंक्शन को शो करेंगे कहाँ पे, पेटल्स में, फ्रूट्स में, लीव्स में और इसके अलावा रूट्स में, ठीक है। अब रिस्पेक्टिवली, यानी कि जिस प्लास्टिस का जो काम होगा वो उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे कि तो आपके पास क्लोरोप्लास्ट का काम ग्रीन कलर शो कराना है तो वो ग्रीन पार्ट्स में होगा, क्रोमोप्लास्ट का कलरिंग, डिफरेंट कलरिंग शो कराना है तो पेटल्स ऑफ फ्रूट्स के अंदर होगा, या फिर आपके पास यूं कह लीजिए कि कलरलेस पार्ट जैसे रूट्स हैं तो वो वहां पे अपने फंक्शन को क्या करवाएगा, परफॉर्म करवाएगा। तो याद रखिएगा यंग सेल में प्लास्टिस नहीं बल्कि प्रोटो या प्रोप्लास्टिस होते हैं, और जब सेल वो मैच्योर होता है तो वो प्रोप्लास्ट जाकर के चेंज हो जाते हैं किसमें, प्लास्टिस के अंदर। फिर प्लास्टिस के अंदर क्या पाए जाते हैं, तीन किस्म के आपके पास कह लें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, मेरिस्टम के ऊपर मैं बात कर रहा था कि तीन मेरिस्टम होंगे, एपिकल, इंट्रोकैलरी और लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब आप देखिएगा कैसे होंगे ये, क्या काम है इनका, ठीक है। अब आप इनको मेरिस्टम भी कह सकते हैं और मेरिस्टमैटिक सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या मेरिस्टमैटिक टिश्यूज भी कह सकते हैं। चलो इसको रिमूव करता हूँ मैं, रिमूव करके आप देखिएगा। सपोज कर लीजिए कि ये एक आपके पास स्टेम है, ठीक है। अब स्टेम की ये टिप है, टिप ऑफ स्टेम। अब इस टिप ऑफ स्टेम के ऊपर आप देख रहे हैं ये एक मेरिस्टम है, इसको नाम देते हैं किसका, एपिकल मेरिस्टम का नाम देते हैं, एपिकल मेरिस्टम। तो कीप इन योर माइंड, अपने माइंड में रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है कि एपिकल मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट एट द टिप या एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। एपिकल का मतलब ही क्या होता है, टिप होता है या फिर एपेक्स होता है। तो ये कहां पर होते हैं, एपेक्स या टिप ऑफ स्टेम, देखिए मैं लिख देता हूं यहां, एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, रूट और शूट के ऊपर मौजूद होंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल, इनका काम क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। रूट एंड शूट, ये रूट और शूट की लेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे, इनका काम क्या होता है मेरिस्टम का या मेरिस्टमैटिक सेल्स का, देखें ये है, चले मैं कहता हूं मेरिस्टम, चले एपिकल मेरिस्टम ही समझ लें। इनका काम क्या है, डिवाइड, फिर क्या होंगे, रीडिवाइड एंड अगेन रीडिवाइड, ये इनका काम है, ठीक है। टिप के ऊपर सपोज करें कि ये एक प्लांट का स्टेम है, ये स्टेम की क्या है, टिप है, ये टिप पर मौजूद है, ये डिवाइड हुए तो दो हो गए, रीडिवाइड हुए तो फोर हो गए, अगेन रीडिवाइड हुए तो एट हो गए। तो ये नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो लेंथ ऑफ स्टेम भी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। इसी तरीके से ये रूट की टिप पर मौजूद होंगे, वहां पर क्या काम करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवाइड रीडिवाइड अगेन रीडिवाइड होंगे। तो इस तरीके से रूट की लेंथ भी क्या है, डेप्थ ऑफ द सॉइल के अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो एपिकल मेरिस्टम याद रखिएगा, एपेक्स मतलब टिप के ऊपर होंगे, किसकी टिप के ऊपर होंगे, रूट और शूट की टिप के ऊपर मौजूद होंगे, ठीक है। रूट और शूट की टिप के ऊपर जो मेरिस्टम होंगे उसको हम किसका नाम देंगे, एपिकल मेरिस्टम का नाम देंगे, क्लियर जी। अच्छा, उसके बाद सेकंड मेरिस्टम, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। चलें जी, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। अच्छा चलें, दोबारा इस डायग्राम को बनाता हूँ। ये तो एपिकल मेरिस्टम था,
एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम के जस्ट बिहाइंड नीचे की तरफ एक मेरिस्टम और होगा इस तरीके से। इसको आप नाम देंगे किसका? इंटर कैलरी मेरिस्टम। इसको किसका नाम दिया? इंटर कैलरी मेरिस्टम का, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ मौजूद होगा? देखिए, ये लीफ है, लीफ की बेस के ऊपर, और सपोज कर लें कि ये एक ब्रांच है, ब्रांच की बेस के ऊपर। ये प्रेजेंट होगा कहाँ पे? एट द बेस ऑफ लीफ एंड ब्रांचेस, ब्रांचेस और लीफ की बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। बेसिकली इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है इज अ टाइप ऑफ द एपिकल मेरिस्टम। अपने माइंड में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कि एमसीक्यूज आ चुका है कि इंटरकैलरी मेरिस्टम इज अ टाइप ऑफ द एपिकल मेरिस्टम, बट इट्स सेपरेट फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम। लेकिन ये सेपरेट होता है किससे? एपिकल मेरिस्टम से सेपरेट होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या करेगा देखें, इसका काम फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, एंड ब्रांचेस, ये लीव्स की और ब्रांचेस की फॉर्मेशन करेगा। सपोज कर लीजिए कि ये एक लीफ है, फॉर एग्जाम्पल। अब देखें, लीफ की जो डंडी है उसको आप किसका नाम देते हैं? पेट्रियॉल का नाम देते हैं, पेट्रियॉल। तो पेट्रियॉल की ये जो बेस है, इस बेस पर कौन मौजूद है? इंटर कैलरी मेरिस्टम मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, इसकी बेस के ऊपर बिल्कुल। और ये सपोज कर लें कि ये एक ब्रांच है आपके पास, प्लांट की ब्रांच जो स्टेम के साथ अटैच है, इसका ये बेस है, इस बेस के ऊपर भी कौन मौजूद है? इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये यहाँ पर डिवीजन करते हैं और डिवीजन करके यंग लीव्स की फॉर्मेशन करते हैं, डिवीजन करके ब्रांच के अंदर लेंथ को बढ़ाते हैं, या ब्रांच की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो कीप इन योर माइंड कि इंटर कैलरी मेरिस्टम इज अ टाइप ऑफ द एपिकल मेरिस्टम, बट इट्स सेपरेट फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम से नीचे की तरफ होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड ब्रांचेस। किसकी बेस पर होंगे? लीफ और ब्रांचेस की बेस पे होंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रूट, सॉरी, इंक्रीजिंग द लेंथ, इंक्रीजिंग फॉर, दे टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। इनका काम क्या है? ये लीफ और ब्रांचेस की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो इंटरकैलरी मेरिस्टम था। इंटरकैलरी मेरिस्टम के बाद एक लास्ट मेरिस्टम, इस डायग्राम को मैं दोबारा से क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लें अगर इसका लेना है, मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलें जी, ये था कौन सा मेरिस्टम? एपिकल, ठीक है, लीफ ब्रांचेस, ब्रांचे, दिस इज अ लीफ, ठीक है, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है, जस्ट बिहाइंड द होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब देखिए, ये है बेस, बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम पर, बेस, बेस ऑफ स्टेम पे कौन होगा? लैटरल मेरिस्टम। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ आप जानते हैं, ये हम सेकेंड चैप्टर इंटर में पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी के अंदर, कि सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, कोई भी प्लांट जो है वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्लांट ट्री में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान यंग सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं। उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होती है? यंग सेकेंडरी टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, कॉर्प कैम्बियम बनता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। चार चीजें बनती हैं, चार याद रखिएगा अपने माइंड के अंदर। तो सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, और सेकेंडरी टिश्यूज की वजह से प्लांट का जो स्टेम है उसका डायमीटर क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
और जब किसी भी प्लांट का डायमीटर बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो हम ये कहते हैं कि जनाब ये प्लांट क्या कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म कर रहा है। मतलब अब ये प्लांट से किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ट्री के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो लैटरल मेरिस्टम का काम क्या है, किसी भी प्लांट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना, ट्री के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो ये तो किसका फंक्शन था, लैटरल मेरिस्टम का। तो तीन किस्म के मेरिस्टम, तो मैंने इसीलिए कहा ना आपको कि ये जो प्रोप्लास्टिस हैं बेसिकली, ये कहाँ पे फाउंड इन मेरिस्टमैटिक टिश्यूज वेयर डिवीजन ऑफ सेल टेक प्लेस। तो देखिए कहाँ पे पाए जाते हैं, याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से एमसीक्यूज निकल सकते हैं आपके, कि कहाँ पाए जाते हैं ये प्रोप्लास्टिस, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में या मेरिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, जहां पर डिवीजन होती है। आपने देख लिया तीनों ही मेरिस्टम का काम क्या है, डिवीजन करवाना है, और डिवीजन करके प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। तो अब याद रखिएगा कि प्लांट के अंदर हाउ मेनी ग्रोथ पॉइंट, कितने ग्रोथ पॉइंट्स होंगे किसी भी हायर प्लांट्स के अंदर। तो बेटा याद रखना, हायर प्लांट में तीन ग्रोथ पॉइंट होंगे, एक एपिकल मेरिस्टम, दूसरा इंटरकैली मेरिस्टम, और तीसरा लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो तीन ग्रोथ पॉइंट किसी भी हायर प्लांट के अंदर हो सकते हैं। इन्हीं हम मेरिस्टम को ग्रोथ पॉइंट्स का नाम देते हैं, कि प्लांट्स क्या करता है, अपनी यहाँ से ग्रोथ करता है। ठीक, उसके बाद ये टॉपिक तो हमारा प्रोटोप्लास्टिस या प्रोप्लास्टिस वाइंड अप हुआ। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है कि क्लोरोप्लास्ट एज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स, के क्लोरोप्लास्ट एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स कैसे हैं, क्या करते हैं। शॉर्ट बताऊंगा, इसकी डिटेल यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि डिटेल हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिस्कस करेंगे। इंटरकैली मेरिस्टम रिपीट करते हैं भाई, इंटरकैली मेरिस्टम इज अ टाइप ऑफ द एपिकल मेरिस्टम। किसकी टाइप है, एपिकल मेरिस्टम की टाइप है। कहाँ प्रेजेंट होगा, जस्ट बिहाइंड द एपिकल मेरिस्टम एंड बेस ऑफ स्टेम एंड बेस ऑफ लीफ के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड यंग ब्रांचेस इन द प्लांट। कि किसी भी प्लांट के अंदर ये लीव्स की और यंग ब्रांचेस की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो अब अगर एमसीक्यूज आ जाए कि हाउ मेनी ग्रोथ पॉइंट्स इन द प्लांट हायर प्लांट्स, हाउ मेनी ग्रोथ पॉइंट्स इन द हायर प्लांट, तो कीप इन योर माइंड देर आर थ्री ग्रोथ पॉइंट्स इन द हायर प्लांट, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। ओके फाइन, और यही वो पॉइंट्स हैं प्लांट के जहां पर प्लांट्स के अंदर डिवीजन होती है, डिवीजन। और इन्हीं डिवाइडिंग पार्ट्स के अंदर कौन मौजूद होगा, प्रोप्लास्टिस मौजूद होगा इन्हीं डिवाइडिंग पॉइंट्स के अंदर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब उसके बाद चलते हैं क्लोरोप्लास्ट एनर्जी ट्रैपिंग ऑर्गेनल्स। इसकी डिटेल 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर आप लोग कहें तो 4 के बाद मैं 11 करवा दूं आपको, आप लोग कहें तो, अगर कॉन्सेप्ट है या नहीं पढ़ा या जैसा भी है, चलें वो कल क्लास होगी तो वहां डिसाइड कर लेंगे। यस, अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 4 के बाद हम 11 चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलें जी, अब चलते हैं आगे। क्लोरोप्लास्ट एस ऑर्गेनेल्स, कि क्लोरोप्लास्ट क्या एनर्जी ट्रैपिंग ऑर्गेनेल्स है। आप देखें क्लोरोप्लास्ट इज अ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स, कीप इन योर माइंड क्लोरोप्लास्ट क्या है। देखिए मैं लिखता हूं, क्लोरोप्लास्ट इज अ एनर्जी लिख रहा हूं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है, इन ईच फोटोसिंथेटिक सेल, इन ईच फोटोसिंथेटिक सेल
15 से 20 एक फोटोसिंथेटिक सेल्स में कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं? 15 से 20 तक क्लोरोप्लास्ट क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकता है? क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट एक फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मैंने बता दिया था आपको। और ईच क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है? 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है ना। अब कौन कौन से वो 3 पार्ट्स हैं, चले आप में से पूछ लेता हूँ किसी से। शोभा, अगर शोभा मीटिंग में है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, शोभा अगर मीटिंग में है तो बताए। कितने एक पार्ट्स होंगे देखूं जरा। क्लोरोप्लास्ट के बेटा शोभा, क्लोरोप्लास्ट के, एक क्लोरोप्लास्ट कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है? 3 पार्ट्स, गुड गुड, 3 पार्ट्स, यस राइट, 3 पार्ट्स होंगे। अब कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे, मैं रिमूव करता हूँ इसको, देखें बताता हूँ। नंबर 1, आपके पास सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। नंबर 1 क्या होगा, सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन, एक तो ये पार्ट होगा। दूसरा पार्ट कौन सा होगा, दूसरा पार्ट होगा आपके पास स्ट्रोमा या थैलाकॉइड, थैलाकॉइड कह दें या स्ट्रोमा कह दें, ठीक है। चलें जी, दूसरा पार्ट थैलाकॉइड, ठीक है ना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और तीसरा पार्ट क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। तो कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है, 3 पार्ट्स, ठीक है। तो अब 3 पार्ट्स बेटा थैलाकॉइड में ही ग्रेना आ जाएगा, ये 3 पार्ट्स। मैंने इससे पहले भी आपको डायग्राम दिखाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी लास्ट टाइम बिफोर ईद, ईद से पहले। चलें दोबारा एक दफा बता देता हूँ कि देखें, ये है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अच्छा जी देखें, इसके अंदर क्या होगा, ये है देखें क्वाइन शेप स्ट्रक्चर, ग्रेना का नाम देंगे या ग्रेनम, ठीक है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इस तरीके से देखें, इस तरीके से। और ये इसके अंदर एक ग्राउंड जेल लाइक सब्सटेंस होगा, जेल लाइक सब्सटेंस, ग्राउंड जेल लाइक सब्सटेंस, इसको नाम देंगे किसका, स्ट्रोमा का, स्ट्रोमा। और ये क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। अच्छा जी, इसकी डिटेल तो ल्यूमन और ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो हम सिर्फ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ये एनर्जी ट्रैपिंग ऑर्गेनल्स कैसे है। अब आप देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, 3 चीजें। अब सबसे पहले मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि थैलाकॉइड का काम क्या है, ठीक है। थैलाकॉइड देखिए, नंबर टू, मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन तो हमने छोड़ दी, उसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, उसको देख लें आप, थैलाकॉइड को, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। देखें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का काम क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे, पिगमेंट्स होंगे, पिगमेंट्स के साथ साथ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होगा, ठीक है जी। अच्छा, यहीं पर क्या चलेगी, इसी यहीं पे एक पिगमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास क्या होगा, यानी कि कौन सा रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन में ये लाइट से क्या लेंगे, लाइट से एनर्जी लेंगे, और जब ये लाइट से एनर्जी लेंगे तो उसके बाद इनके पास क्या है, पिगमेंट्स, उन पिगमेंट्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। और सुनिएगा, ठीक है, यानी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, मैंने कहा उनके पास पिगमेंट्स मौजूद हैं, क्लोरोफिल ए और बी मौजूद है, तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कौन सा रिएक्शन करेगा, लाइट रिएक्शन करेगा। लाइट से इसने एनर्जी ली, फोटॉन या क्वांटा या क्वांटम, जिसको आप पैकेट ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ लाइट या एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी लेने से इनके जो पिगमेंट्स थे, पिगमेंट्स के पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हुए तो उन इलेक्ट्रॉन ने क्या स्टार्ट कर दी, ट्रांसपोर्ट, क्या स्टार्ट कर दी, ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक पिगमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें। तो इस तरीके से वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक एनर्जी पैदा हो रही है, उस एनर्जी का नाम क्या है, एटीपी। अब ये एनर्जी कौन पैदा करता है, एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है एटीपीएज एंजाइम। ये एटीपीएज एंजाइम भी कहां मौजूद होगा, थैलाकॉइड में। तो इज अ वेरी सिंपल, मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, डिटेल 11 चैप्टर में इसकी हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल है, मैं शॉर्ट, ओनली शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे एनर्जी ट्रैपिंग ऑर्गेनेल्स है। अब आप दोबारा सुनिएगा, देखें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, उस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पिगमेंट्स और क्लोरोफिल ए और पी मौजूद है, और इसके साथ साथ एक एंजाइम एटीपीएज मौजूद है। ठीक है, अब होगा क्या कि लाइट, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन लाइट रिएक्शन करेगा, लाइट से ये एनर्जी लेंगे, जब एनर्जी लेंगे तो इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे, उन पिगमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एनर्जी असल में किसने ली, उन पिगमेंट के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली लाइट से, और जब लाइट से एनर्जी ली तो वो पिगमेंट ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करेंगे एक से दूसरे पिगमेंट के पास, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से ट्रैवल करते हुए जाएंगे। जब ये ट्रैवल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर जो पिगमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, एक्टिवेट होते जाएंगे। जब वो एक्टिवेट होते जाएंगे तो उनके पास क्या आती जाएगी, एनर्जी आती जाएगी सनलाइट से। तो उस एनर्जी को एटीपीएज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो लाइट रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है, लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होती है बेसिकली आपके पास एटीपी एनर्जी की। ठीक है, और एटीपी एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और बनती है, वो क्या है, NADPH2। लाइट रिएक्शन में ये दो चीजें बनेंगी। ठीक है, और याद रखना है कि लाइट रिएक्शन कहाँ हुआ था, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन।